टीम इंडिया को 16 फरवरी से वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में भिड़ने वाली है। भारतीय टीम ने हाल ही में वेस्ट इंडीज को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से हराया था। अब कप्तान रोहित शर्मा की टीम टी20 सीरीज में कुछ ऐसा ही कमाल करना चाहेंगी, लेकिन इस सीरीज से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया को अब मानो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वनडे में भारतीय टीम ने भले ही एक बहुत ही बड़ा और शानदार प्रदर्शन किया, क्लीन स्वीप किया, लेकिन टी20 के अंदर वेस्ट इंडीज के किसी भी बल्लेबाज को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। यह इनका पहला पसंदीदा खेल है और इस फॉर्मेट में भारतीय टीम को बेस्ट टू बेस्ट प्लेइंग 11 और स्क्वाड के साथ उतरना था, लेकिन इस सीरीज से ठीक पहले भारत को 2 झटके लगे थे जहां पर 2 दिग्गज खिलाड़ी बाहर हो गए थे। लेकिन अब एक ऐसा खिलाड़ी बाहर हो गया है जो रोहित शर्मा का सबसे बड़ा और प्रमुख हथियार है। वहीं हम आपको बताएंगे कि ऋषभ पंत को रोहित शर्मा ने एक बहुत बड़ी और नई जिम्मेदारी दिलवाई है। तो आइए एक एक करके जानते हैं आखिर क्यों टीम इंडिया की चुनौती बड़ी है, ऋषभ पंत को क्या मिली है नई जिम्मेदारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया की फैन, रोहित की फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि ऋषभ पंत ने आखिर रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की चिंता क्यों कम कर दी है, आखिर ऐसा क्या काम किया है, उनको क्या मिली है नई जिम्मेदारी, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो जाने से पहले हम आपको ये बता दें कि आखिर किन दिग्गज खिलाड़ियों को पहले ही बाहर होना पड़ गया है और टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई है और उनकी जगह रोहित ने ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करके किन खिलाड़ियों को धमाकेदार एंट्री दिलवाई है, वो भी हम आपको बताएंगे। हाल ही में बीसीसीआई ने घोषणा की थी कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज से उप कप्तान केएल राहुल और स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल बाहर हो चुके हैं, तो टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ चुकी थी क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए बहुत बड़े खिलाड़ी है, प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा है। रोहित शर्मा के लिए बड़ा झटका है क्योंकि राहुल टीम के सबसे मजबूत बल्लेबाज है और रविंद्र जडेजा की गैर मौजूदगी में अक्षर पटेल जैसा ऑलराउंडर टीम इंडिया के लिए बड़ा कारगर साबित हो सकता था, लेकिन अब दोनों ही खिलाड़ी सीरीज से बाहर हो चुके हैं, रोहित शर्मा की मुश्किलें बढ़ चुकी है। बात यहीं पर नहीं रुकी, इस बीच एक ऐसा खिलाड़ी बाहर हो गया है जो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब इनकी जगह किन खिलाड़ी को मौका दिया गया है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से ठीक पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। भारतीय टीम के ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। सुंदर की हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है जिसकी वजह से वो बाहर हो गए हैं। सुंदर का बाहर होना टीम के लिए एक और बड़ा झटका है। स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के बाहर होने के बाद सुंदर भारतीय टीम के लिए कारगर साबित हो सकते थे और खासकर अक्षर पटेल जब नहीं है, लेकिन अब ये खिलाड़ी खुद सीरीज से बाहर हो गया है। अब टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ती है, लेकिन आखिर अब इनकी जगह किन खिलाड़ियों को मौका मिला है। अक्षर पटेल और केएल राहुल के बाहर होने से टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है, लेकिन उनकी जगह बीसीसीआई ने 2 और खिलाड़ी को टीम में शामिल कर लिया है। सेलेक्टर्स ने राहुल और अक्षर की जगह दीपक हुड्डा और ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में शामिल किया है। गायकवाड़ के लिए ये राहुल की गैर मौजूदगी में अपनी जगह पक्की करने का एक बेहतरीन मौका होगा। इस खिलाड़ी को ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, वहीं दीपक हुड्डा को वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन का फल मिला है, लेकिन अब जो बड़ा झटका वॉशिंगटन सुंदर के रूप में लगा है उनकी जगह कुलदीप यादव को एंट्री मिल चुकी है। जी हाँ, टी20 स्क्वाड के अंदर कुलदीप यादव की धमाकेदार एंट्री ने हर किसी को हैरान कर दिया है और रोहित शर्मा ये दिखाना चाहते हैं कि कुलदीप पर उन्हें भरोसा है, तो इन 3 खिलाड़ियों की धमाकेदार एंट्री हुई है। लेकिन इस बीच हम आपको बताएंगे कि आखिर ऋषभ पंत ने सेलेक्टर्स रोहित शर्मा की चिंता कम कैसे करी है, यानी कि 16 फरवरी से वेस्ट इंडीज के साथ शुरू हो रही है श्रृंखला से ठीक पहले केएल राहुल बाहर हो चुके हैं। साथ ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। जी हां, नई जिम्मेदारी यह है कि ऋषभ पंत को बनाया गया है भारतीय टीम का टी20 के अंदर उप कप्तान। इसका मतलब साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि टीम इंडिया केएल राहुल के बाद में अगर किसी को कप्तान के तौर पर देख रही है तो वो ऋषभ पंत ही है जो अपनी टीम में तीनों फॉर्मेट में जगह पक्की करके बैठे हैं और उनकी न केवल प्लेइंग 11 में बल्कि अगले कप्तान भी बनाए जा सकते हैं। इस तरह से नई जिम्मेदारी मिली है ऋषभ पंत को, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।